हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मानव हृदय की संरचना और उसकी कार्यविधि के बारे में पढ़ेंगे। हृदय की संरचना और कार्यविधि पढ़ने से पहले हम धमनी और शिरा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आप देख रहे हैं वह है धमनी और ये है शिरा। धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी का रंग लाल होता है और धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन एकमात्र अपवाद फुफ्फुस धमनी जिसके माध्यम से अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिरा के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में स्थित उत्कों से रुधिर को हृदय तक ले जाया जाता है। शिरा में एकमात्र अपवाद फुफ्फुस शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी में दबाव अधिक होता है और इसकी दीवारें मोटी और लचीली होती है, जबकि शिरा में दबाव कम होता है और इसकी दीवारें पतली होती है और इसमें रुधिर धीरे धीरे प्रवाहित होती है। मृत्यु के पश्चात धमनी खाली हो जाती है, जबकि मृत्यु के पश्चात शिरा में अशुद्ध रक्त स्थित होता है। धमनी शरीर के गहराई पर स्थित होता है, जबकि शिरा शरीर के ऊपरी सतह पर स्थित होता है। धमनी और शिरा के संबंध में हमें इन सभी चीज़ों को याद रखना है। फुफ्फुस धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि शिरा फुफ्फुस शिरा जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ये दोनों अपवाद हैं, इसे हमें याद रखना है। अब हम हृदय के बारे में पढ़ते हैं। हृदय हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन होता है जिसके माध्यम से रुधिर को पंप किया जाता है। रुधिर हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक और हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक प्रवाहित होती है, जिसे पंप करने का कार्य हृदय के माध्यम से होता है। हृदय एक प्रकार की मांसल संरचना होती है और हृदय के चारों ओर हृदयावरण नामक एक थैली होती है जिसमें पेरिकार्डियल नामक द्रव भरा होता है, जो कि बाहरी आघातों से हमारे हृदय की रक्षा करती है। हृदय में चार कोष्ठक होते हैं जिसे चेम्बर कहा जाता है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो मानव हृदय में चार कक्ष या कोष्ठ होते हैं। पहला कक्ष होता है दायां आलिंद, दूसरा कक्ष होता है बायां आलिंद, तीसरा कक्ष होता है दायां निलय और चौथा कक्ष होता है बायां निलय। इसकी स्थिति हम देख लेते हैं। ये है दायां आलिंद, उसके पश्चात उसके नीचे में स्थित होता है दायां निलय, उसके पश्चात है बायां निलय और उसके पश्चात है बायां आलिंद। हमें यह याद रखना है कि दायां आलिंद और दायां निलय का संपर्क बायां आलिंद और बायां निलय से बिल्कुल नहीं होता है, और दायां आलिंद और दायां निलय में अशुद्ध रक्त स्थित होता है, जबकि बायां आलिंद और बायां निलय में शुद्ध रक्त स्थित होता है। इसके आगे हम इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें स्पष्ट हो जाएगा। अब हम मानव हृदय की संरचना देख लेते हैं। मानव हृदय की संरचना में सबसे पहले है हृदयावरण, जिसे रक्षक ऊतक कहा जाता है। इसमें पेरिकार्डियल नामक द्रव भरा होता है, जो कि हृदय को बाहरी आघातों से रक्षा करता है। इसके पश्चात है महाधमनी, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। धमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। इसे महाधमनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सबसे बड़ी धमनी होती है, इसलिए इसे महाधमनी कहा जाता है। यह है महाशिरा, जिसके माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में पहुंचती है। इसके पश्चात है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में पहुंची अशुद्ध रक्त फेफड़ों में पहुंचती है, और फेफड़ों में पहुंचने के पश्चात उसमें स्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके पुनः हृदय में वापस आती है। यह है फुफ्फुस शिरा, जिसके माध्यम से फेफड़ों में शुद्ध हुए रक्त पुनः हृदय में प्रवेश करती है। यहाँ पर स्थित होता है त्रिदलीय का पार्ट, जो कि दायां आलिंद और दायां निलय के मध्य में स्थित होता है। इसके पश्चात है द्विदलीय का पार्ट, द्विदलीय का पार्ट बायां आलिंद और बायां निलय के मध्य में स्थित होता है। त्रिदलीय का पार्ट दायां आलिंद और दायां निलय के मध्य में स्थित होता है, जबकि द्विदलीय का पार्ट बायां आलिंद और बायां निलय के मध्य में स्थित होता है। फुफ्फुस चाप, यहाँ पर आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर है फुफ्फुस चाप, जो कि दायां आलिंद के बाएं में स्थित है और जिसके माध्यम से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी में पहुंचती है। हमारा हृदय रक्त का पंपिंग करता है और पंपिंग की क्रिया संकुचन और शिथिलन के माध्यम से होती है। संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना, शिथिलन का अर्थ होता है फैलना।
यह प्रक्रिया एकांतिक होती है, अर्थात दायां आलिंद और बायां आलिंद दोनों में संकुचन एक साथ होता है, जबकि दायां निलय और बायां निलय में संकुचन और शीथलन एक साथ होता है। इस कारण इसे एकांतिक संकुचन कहा जाता है। एक संकुचन और एक शीथलन मिलकर हृदय धड़कन बनती है। हमें इसमें कुछ बिंदुओं को याद रखना है कि संकुचन अर्थात होता है सिकुड़ना और शीथलन अर्थात होता है फैलना। ये दोनों प्रक्रिया एकांतिक होती है, अर्थात दायां आलिंद और बायां आलिंद में एक साथ संकुचन होता है और एक साथ शीथलन होता है, जबकि दायां निलय और बायां निलय में एक साथ संकुचन और एक साथ शीथलन होता है। अब हम क्रियाविधि देख लेते हैं। मानव हृदय की क्रियाविधि साइनो ऑरिकुलर नोड के माध्यम से प्रारंभ होती है, जो कि दायां आलिंद और बायां आलिंद के तीकी दीवारों पर स्थित होती है, जिसके माध्यम से विद्युत तरंग उत्पन्न होती है और विद्युत तरंग के कारण उसमें संकुचन आरंभ होता है। इसे पेसमेकर भी कहा जाता है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है, तो साइनो ऑरिकुलर नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। और यह कहाँ स्थित होता है, तो यह दायां आलिंद और बायां आलिंद की भित्ति की दीवारों पर स्थित होता है। संकुचन की क्रिया साइनो ऑरिकुलर नोड के माध्यम शुरू होती है, उसके पश्चात शिथिलन होता है। शिथिलन होने से शरीर के विभिन्न भागों से रक्त शिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है, उसके पश्चात दायां निलय और बायां निलय की दीवारों पर स्थित ऑट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के माध्यम से पुनः विद्युत तरंग उत्पन्न होती है, और इस विद्युत तरंग के कारण दायां निलय में संकुचन होता है। संकुचन के पश्चात शिथिलन होता है। शिथिलन होने से दायां आलिंद में स्थित रक्त दायां निलय में प्रवेश करता है और दायां निलय पूरी तरह रक्त से भर जाता है। दायां निलय में रक्त भर जाने के पश्चात पुनः संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है, और संकुचन के कारण यह रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में पहुंच जाती है। फेफड़ों में इस रुधिर में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दिया जाता है और उसे ऑक्सीजन युक्त कर दिया जाता है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस शिरा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। बायां आलिंद के संकुचन और शीथलन से यह बायां आलिंद में प्रवेश करती है। बायां निलय में पहले संकुचन होता है, उसके पश्चात शीथलन होने से बायां निलय में स्थित रक्त महाधमनी शिरा के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाती है। हृदय हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन होता है, जिसके माध्यम से रक्त को पंप किया जाता है। इसके पश्चात हम ECG देख लेते हैं। ECG का उपयोग हृदय संबंधी रोगों की पहचान के लिए किया जाता है। इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि निम्न में से किस यंत्र का उपयोग हृदय संबंधी रोगों की पहचान के लिए किया जाता है, तो उसे ECG कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ साइनो ऑरिकुलर नोड के माध्यम से उत्पन्न तरंगों के आधार पर कार्य करता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक तरंग के आधार पर निर्धारण करता है। संकुचन और शीथलन औसत रक्तचाप कितना होना चाहिए, तो 120 और 80 mmHg। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि सामान्य मनुष्य का सिस्टोलिक और डाइसिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है, तो 120 और 80 mmHg होता है। सिस्टोलिक और डाइसिस्टोलिक के मापन के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और उसकी क्रियाविधि भी देखेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।